स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके टीचिंग के टीएलएम को लेकर के, यानी जब आपकी इंटर्नशिप शुरू होती है तो आपको लेसन प्लान के अलावा टीएलएम भी बनाने होते हैं। टीएलएम के माध्यम से टीचर को ये पता चलता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, और साथ ही अगर आप टीएलएम बना रहे हैं तो वो लगभग आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। आप टीचिंग के समय टीएलएम से अगर नहीं भी पढ़ा रहे हैं तब भी आपको टीचिंग में टीएलएम जमा करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टीएलएम दिखा दे रही हूँ जो कि आपको एक सजेशन मिल जाएगा कि आप कैसे अपनी टीचिंग में टीएलएम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे सामने है एक हिंदी का टीएलएम जो कि आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छे से डायग्राम वाइज समझाया गया है, बच्चों को आप ऐसे टीएलएम में दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पुल्लिंग दिया है, इसी के जस्ट नीचे अगर इसको खोलेंगे इसी का स्त्रीलिंग दिया होगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा का दिया है बेटी, जस्ट उसी के नीचे इसका स्त्रीलिंग दिया हुआ। यहाँ पर देखिए चूहा का चूहिया, ठीक है। ऐसे ही भगवान का भगवती, ऐसे ही सबका दिया है, महोदय का महोदया, ठीक है। तो आप ऐसे ही डी शेप में ऐसे कटिंग करिएगा, ये देखिए डी शेप में आपका कटा हुआ है, ठीक है। तो आप इसी के नीचे एक तरफ ऊपर आप पुल्लिंग और नीचे स्त्रीलिंग शो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फिश कट का पूरा बहुत अच्छे से बना करके समझाया गया है। यहाँ पर मैं आपको पूरा टीएलएम दिखा रही हूँ तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इन सबके नीचे इनकी पहले ऊपर आपका पुल्लिंग दिया है, जस्ट उसके नीचे आपका स्त्रीलिंग दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका दिया हुआ है, आप बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर सकते हैं अपने टीएलएम को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पूरे टीएलएम को, ये देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपना अंदर नाम भी डाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए इन चीजों को, आप बिल्कुल ऐसे ही अपने टीचिंग के टीएलएम को तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है, और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टीएलएम आप क्या कुछ तैयार करेंगे अपनी टीचिंग के लिए। इन सबका मैं फोटो भी दिखा दूंगी वीडियो के लास्ट में, आप इनका फोटो भी देख करके बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टीएलएम आप क्या कुछ बनाएंगे अपनी टीचिंग के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट टीएलएम है आपका जो वीक नेम होते हैं, यानी आपके जो सप्ताह के नाम होते हैं आप बच्चों को ऐसे याद करा सकते हैं। तो इस टीएलएम को आप देख सकते हैं, ये बेकार से दफ्ती की भी बना सकते हैं। मान लीजिए घर में कोई साड़ी का डिब्बा है, उससे काट करके भी आप ये टीएलएम तैयार कर सकते हैं। एक चार्ट पेपर ले आइए, उस पे ही आप पंच पेपर से ऐसे बादल वगैरह बना दीजिए काट काट के, ठीक है। साथ ही आप गोल गोल से ये जो आपके जितने भी आपके ग्रह हैं ऐसे ही बना सकते हैं। उसके ऊपर आप संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे करते हुए आप वीक नेम बता सकते हैं बच्चों को। तो ये बहुत ही अच्छा सिखाने का मेथड है, आपका टीएलएम है एक, जिसे आप अपने टीचिंग में बना करके यूज कर सकते हैं। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके आराम से इन्हें बना लीजिएगा, बाकी इनका फोटो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। देखते हैं नेक्स्ट टीएलएम आप क्या कुछ बनाएंगे अपने टीचिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास जो एक और टीएलएम है वो है आपके पुस्तकें तथा उनके लेखक से संबंधित आपका टीएलएम। आप चाहें तो इसे हिंदी के लिए भी बना सकते हैं और आप चाहें तो एसएसटी के लिए भी बना सकते हैं, यानी सामाजिक अध्ययन के विषय के लिए भी बना सकते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे आपका महाभारत, इंडिका, हर्षचरित, गीत गोविंद, तो जस्ट इसी के नीचे इनके राइटर का नाम दिया हुआ है। जैसे महाभारत के पुस्तक के लेखक कौन है, महर्षि वेदव्यास, ठीक है। इसी तरह इंडिका के पुस्तक के लेखक मेघस्थनीज हैं। इसी तरह हर्षचरित के बाण भट्ट हो गए, फिर है गीत गोविंद के जयदेव, ठीक है। तो इस तरह से आप टीएलएम में दिखा सकते हैं। तो आप ऐसे ही कलर पेपर ले आइए और आप अपने टीएलएम आराम से बिना किसी दिक्कत के बना सकते हैं। आप ऐसे ही डी शेप में ये कार्ड काट लीजिए और ऐसे ही बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ठीक है, ये तो खुला हुआ है, ये पलट गया है, रुकिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम। तो ये देख सकते हैं आपका सबके नीचे जो भी राइटर है, ठीक है, उनके नाम दिए हैं और किताब पुस्तक का नाम दिया हुआ है। जैसे पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रबरदाई की है। पतंजलि, इसके लेखक हैं, ये है महाभाष्य, ठीक है, पुस्तक इसके रचयिता है पतंजलि। पंचतंत्र यानी विष्णु शर्मा। राज तरंगड़ी की बात की जाए तो इसमें कल्हड़। रघुवंशम की बात की जाए तो इसमें आपके रचयिता है कालिदास, ठीक है। इसी तरह आपका मृच्छा कटिकम, इसके पुस्तक है शूद्रक,
ठीक है, तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप बिल्कुल अपने टीएलएम ऐसे ही तैयार कर सकते हैं टीचिंग के लिए। ठीक है, बाकी इनका फोटो मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी कि आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई हिंदी या एसएसटी के टीएलएम को लेकर के। अभी हम एक और साइंस का टीएलएम देख लेते हैं। इसी में यहाँ पर हमारे सामने एक और टीएलएम है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का। तो आप इस टीएलएम को भी साइंस के लिए तैयार कर सकते हैं यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक चार्ट पेपर दिखाया था। ठीक है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। और साथ ही अगर आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझना है तो आप इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने पूरा फोटोसिंथेसिस विद डायग्राम समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर सकते हैं अपने टीचिंग के लिए। यहाँ पर बात हो गई आपके साइंस की टीएलएम को लेकर की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टीएलएम आएगा यानी जो आपका अगला मॉडल बनेगा वो है बाजार पर, मार्केट पर। इसे भी आप एसएसटी के लिए बना सकते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट को कितने अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। फलों का बाजार अलग है, सब्जियों का बाजार अलग है, इसी तरह आपका अनाज का बाजार अलग है और फूलों का बाजार अलग है, कपड़ों का बाजार अलग है। तो इस तरह से आप मार्केट को भी प्रेजेंट कर सकते हैं एसएसटी के टीएलएम के लिए। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके आराम से बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टीएलएम आएगा वो आपका रहेगा प्रदूषण के लिए यानी जो कारखाना प्रदूषण होता है उन सभी के लिए, जिनके माध्यम से आप बता सकते हैं कि एक फैक्ट्री में किस प्रकार से प्रदूषण को हम रोक भी सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कारखाना जो आपका जिसमें कारखाना प्रदूषण हो रहा है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक तरफ कितनी सारी गंदगी दिखाई जा रही है, यहाँ पर कूड़ा फैला हुआ है, दूसरी तरफ आपका पेड़, ये पेड़ थोड़ा आप सही कर लीजिएगा, गिर गया है। ठीक है, तो जो आपका फैक्ट्री पोल्यूशन है यानी जो कारखाना प्रदूषण है कैसे फैल रहा है, तो इसको हम किन किन माध्यमों से रोक सकते हैं, हरे पेड़ लगा करके और आपका डस्टबिन वगैरह यूज करके। तो आप इन चीजों को बना सकते हैं अपने एक टीएलएम के लिए। ये आपका बहुत ही अच्छा मॉडल है, आप बना सकते हैं। इसे आप साइंस के लिए बना सकते हैं या फिर आप एसएसटी के लिए भी बना सकते हैं। तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए, आप बिल्कुल ऐसे ही पर्यावरण प्रदूषण पर बना सकते हैं इस मॉडल को। ठीक है, आगे हम देखेंगे आपका नेक्स्ट टीएलएम। उसके बाद हमारे सामने है आपका एक हिंदी का टीएलएम यानी जिसे आप स्वर के लिए बना सकते हैं। आप चाहें तो इस मॉडल को स्वर या व्यंजन अलग अलग दोनों के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं स्वर का मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें छोटा बड़ा से लेकर के आपके अहा तक के स्वर दिखाए गए हैं। तो टीचिंग के लिए आप इस टीएलएम को भी यूज कर सकते हैं या फिर आप वाइवा के लिए भी इस टीएलएम को दिखा सकते हैं बना करके। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके आराम से बना लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे आपका अगला टीएलएम। इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट टीएलएम जो कि आपके प्लांट सेल का है यानी पादप कोशिका के लिए है। ठीक है, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल का ये डायग्राम या आप देख सकते हैं मॉडल ही है आपका। ठीक है, जो कि आपका कटिंग करके बनाया गया है। तो आप इस मॉडल को भी अपने साइंस सब्जेक्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे एक आपका दूसरा टीएलएम जो कि आपके हिंदी विषय से संबंधित है। यहाँ पर आपका दिया है लॉलीपॉप के माध्यम से स्वरों का ज्ञान। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आइसक्रीम की डंडियां लगी हुई हैं और इन पर स्वर बने हुए हैं। तो आप इन आइसक्रीम की डंडियों पर ये गोल से कागज पे आप स्वर बना सकते हैं और आप आइसक्रीम की डंडियों पर ऐसे ही बिल्कुल लिख सकते हैं स्वर। या फिर आप व्यंजन के लिए बना रहे हैं तो व्यंजन भी बना सकते हैं। चूंकि आपके व्यंजन ज्यादा होते हैं तो आप स्वरों के लिए बनाइए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप मैथ का डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप मैथ के लिए गिनतियों के लिए स्पेशली गिनतियों के लिए आप तीलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। जैसे आप दो तीली का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल करके आप दो अक्षर लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी संख्या दो। फिर इसी तरह आप चाहे तो पांच तीलियां लगा करके और इक्वल करके आप संख्या पांच लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप तीलियों के माध्यम से भी टीएलएम तैयार कर सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे एक और आपका मॉडल। यहाँ पर देख सकते हैं आपका गिनतियों से संबंधित मॉडल दिया है। जैसे इसमें एक ये प्यारा सा जो भी आपका बना हुआ पक्षी, ठीक है, ये कौन सा पक्षी ये तो नहीं पता मुझे, पैरट ही समझ लीजिए क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा पैरट की तरह लग रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए गिनतियां चिपकाई गई हैं। तो एक चार्ट पे आप पैरट बनाइए, उस पे आप ब्लैक चार्ट पर ऐसे ही गिनतियां लिख सकते हैं या फिर आप पहाड़े भी लिख सकते हैं और ऐसे ही दिखा सकते हैं। आप जैसे दो का पहाड़ा लिख दीजिए या दस का या पंद्रह का। ठीक है, तो एक एक पहाड़ों के लिए भी आप अलग अलग तैयार कर सकते हैं, इस टीएलएम को बना सकते हैं।
तो आगे हम देखेंगे एक और आपका टीएलएम, फिर आपका एक और टीएलएम है, ये भी आपका गिनतियों के लिए है। छोटे बच्चों को गिनतियां सिखाने के लिए आप ये बना सकते हैं, या फिर बड़े बच्चों को आप फ्रैक्शन सिखा सकते हैं टीएलएम के माध्यम से। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप इन्हें मैथ्स के लिए बना सकते हैं, यानी गणित विषय के लिए। आगे हम देखेंगे आपका एक नेक्स्ट टीएलएम। आपका नेक्स्ट टीएलएम आएगा इंग्लिश के लिए, जो कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए है। आपका ये मॉडल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका हिंदी में आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए था, ठीक है। इसमें आइसक्रीम बनी है, उसमें आपकी फिश बनी थी। इसमें आप देख सकते हैं आपके ईट पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें आपके चार ही दिए हैं, आप चाहे तो आठ पर भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ प्रकार से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो आप चाहे तो इनके एग्जांपल लिख दीजिए या फिर इनके टाइप से बता सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, इसे आप मॉडल के रूप में बना सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद हम देखेंगे आपका नेक्स्ट टीएलएम, फिर आएगा आपका मैथ सब्जेक्ट के लिए। इसमें आप देख सकते हैं सारे सिंबल दिए हैं, प्लस माइनस इनटू, ठीक है, और आपका ये दिया है डिवीजन का, और इसमें जो आपका बड़ा छोटा रहता है निशान लगाने के लिए वो, और इक्वल का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके सिंबल के लिए जो भी मैथ्स के होते हैं उनके लिए भी आप टीएलएम के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये हो गया आपका मैथ का टीएलएम, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपका नेक्स्ट टीएलएम। इसके बाद आएगा आपका साइंस का टीएलएम, जो कि आपका श्वसन तंत्र पे बना है। इसमें आप बहुत ही आसानी से एक मानव का चित्र बना सकते हैं, उसके अंतर्गत जो भी नासा द्वार, श्वास नली, फेफड़े, इसका संबंधित एक डायग्राम बना सकते हैं, जो कि आपका श्वसन तंत्र का डायग्राम कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ही आसान मॉडल है, आप इसे बता सकते हैं और आप इसको अपने लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये टीएलएम आपके बच्चों के लिए और आपके वाइवा के लिए दोनों ही उपयोगी है, तो आप इसे देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। देखेंगे आपका नेक्स्ट टीएलएम, फिर आएगा आपका संस्कृत के लिए टीएलएम। इसमें आप देख सकते हैं आपका महेश्वर सूत्र, जो कि आपके 14 हैं, दिए गए हैं, तो आप इसे भी आराम से बना करके चिपका के लगा सकते हैं। ये आपका संस्कृत सब्जेक्ट के लिए टीएलएम हो जाएगा, ठीक है। इसमें 14 महेश्वर सूत्र अलग अलग दिए हैं, ठीक है, कैसे क्या प्रत्याहार, 42 प्रत्याहार भी होते हैं इसमें आपका बताया गया है। तो इसे भी आप बना सकते हैं अपने वाइवा के लिए या फिर आप अपने टीचिंग के लिए भी बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपका कंप्यूटर का टीएलएम। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कंप्यूटर के इसमें अंग दिए हैं, कैसे क्या क्या अंग होते हैं, संगणक क्या होता है, ठीक है, इसमें मॉनिटर वगैरह सब बताया गया, लैपटॉप क्या है, तो ये भी आपके कंप्यूटर के पार्ट हैं। और साथ ही कंप्यूटर भी पूरा दिया है, लैपटॉप अलग दिया है, पेन ड्राइव वगैरह सब दिया है। तो इस टीएलएम को भी आप बना सकते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद हम देखेंगे आपका अगला टीएलएम, जो कि मैथ्स के लिए है। तो मैथ के टीएलएम की बात की जाए, आप छोटे से छोटा टीएलएम तैयार कर सकते हैं, जैसे गिनतियों से संबंधित, ठीक है। तो ये आप छोटे बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आप मैथ के लिए बड़े बच्चों का तैयार करना चाहते हैं, तो बड़े बच्चों के लिए आप क्या बना सकते हैं, शेप, सर्कल वगैरह, स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह, यानी आप जो भी आपके वृत्त हैं, आयत हैं, त्रिभुज या वर्ग हैं, तो उनसे संबंधित आप शेप का भी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप टीएलएम में आपकी जो गिनतियां होती हैं वो बच्चों को सिखाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही अपने वेस्ट जो भी आपकी दफ्ती है उससे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका टीएलएम हो गया, जो कि आप टीचिंग के समय बच्चों को पढ़ाने के लिए बता सकते हैं। आपको टीएलएम जमा ही करना पड़ता है, तो टीएलएम तो आपका कंपलसरी है बनाना। तो ऐसे ही करते हुए आप 10 तक की गिनतियां बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप पहाड़ों को भी ऐसे ही दफ्ती में काट करके बता सकते हैं बच्चों को। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके आराम से ऐसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बात की है आपके टीएलएम को लेकर के। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो भी चार्ट हैं, आप कैसे क्या चार्ट पेपर टीएलएम के लिए बनाएंगे, तो आप उसे भी देख पाएंगे, ठीक है। तो आप इन चीजों को देख लीजिए। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के द्वारा आपके जो भी प्रश्न है आप उनका उत्तर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।